parte de esa bebé, su puja sabe de esa maquesa. सुबह सवेरे समा के साथ में आपका और हमारा साथ रहता है पूरा हफ्ता। पीर को देखा आपने शो शेफ नंबर वन के नाम, मुकाबला हुआ बेहतरीन खानों की तैयारी का। मैंने राइस बॉइल करने के लिए रख दी है, ये मैं बीच में सोचूंगी कि आया मैं बिरयानी बना दूं या कुछ चिकन का कुछ, लेकिन ये देखेगा कि राइस आपस में जोड़ ना जाए। मैंने जो है वो सबसे पहले यूज किया है ब्लैक जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। जज भी, उस्ताद भी और शेफ भी। मंगल को बात हुई शबे बारात के फजाइल पर। बुध को हमने मिलवाया बिनते फातिमा की आपा हलीमा से, जिन्हें मिली उम्र की सआदत, कोशिश और आवाम के ताबुन से हुआ मुमकिन। अल्लाह जब चाहा बुला लिया मुझे, मैं गई खुशी खुशी गई और दिल नहीं चाह रहे थे वापस आने। जुमेरात को आपको दिखाए रस भरे शहतूत के तिब्बी फवायद, गजाइत का पावर हाउस शहतूत। एक कप हमने पानी ले लेना है, पानी को एक बॉइल आ जाए या ना भी आए, पानी को एक बॉइल आ जाए हमने इसके अंदर डालना है आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा, इतना हम पीस लेंगे इस रोल का। अच्छा गुले सुर्ख ईरानी हम ले लेंगे आधी चम्मच। हफ्ते के आखिरी दिन हम बने अब्दुल्ला की आवाज थी। अब्दुल्ला को 8 करोड़ की जरूरत, जिगर के मर्ज में मुब्तला 11 माह की अब्दुल्ला को थी आपकी इमदाद की जरूरत, जो अब भी जारी है। वो बच्चा यही है, उसको जिंदगी चाहिए और उस जिंदगी में आपका हिस्सा डालना है। आप अगर हिस्सा डालेंगे तो उसको जिंदगी मिलेगी। और आज घरेलू टोटके का मुकाबला एडवांस ट्रीटमेंट डॉक्टर बिल्कीस के क्लिनिक से। इस्तकबाल है उस माह खास का जिसमें छुपा है राज हयात का। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप तमाम तर लोग जो आज हमें अपने घरों में अपने ऑफिसेस में बैठकर देख रहे हैं? और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, क्योंकि जब मैं फेसबुक पे लाइव जाती हूँ तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के थ्रू जो हैं वो हमारा शो देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग आजकल परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि भाई बत्ती नहीं आ रही, घर में बिजली कोई नहीं है, ना टीवी चल रहा है ना मोबाइल चार्ज हो रहा है, करें तो क्या करें। और अभी भी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे भी लाइट का मसला है, यानी कि भाई ये बिजली का मसला पता नहीं कब हल होगा। तो सब आज मिलके इज्तिमाई दुआ करें कि जल्द अज जल्द ये जो लोड शेडिंग का जिन है, ये जो बेकाबू हो गया है, ये हमारे सरों से जल्दी से जल्द अज जल्द उतर जाए, क्योंकि आगे आने वाला है रमज़ान और फिर हमने रोज़े भी रखे होंगे और जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना ज़्यादा रोज़ा रहेगा। तो मेरे ख्याल से रमज़ान तक तो थोड़ा बहुत हम पे तरस खा ही लेंगे। जनाब, गर्मी को कम करने के लिए एसी तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो कुछ लोग हैं जो ठंडे ठंडे कमरों में रहते हैं, वहाँ रहना मुनासिब समझते हैं। कुछ बेचारे ऐसे हैं कि जिनके पास और कोई चारा नहीं है कि वो अपना और रंग ख़राब करें और बाहर निकलें और गर्मी बर्दाश्त करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हर एक की पहुँच में होती हैं, चाहे आप अफोर्ड कर सकते हों या आप ना कर सकते हों। जब हम किसी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि भाई अगर हमने कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना है तो उसके लिए तो मशीन्स बड़ी ज़रूरी हैं। मशीन्स की तरफ जाएंगे, फेशियल कराएंगे, छाइयों का इलाज कराएंगे, एक्नी का इलाज कराएंगे, कोई मोल का इलाज करवाएंगे, स्किन लिफ्टिंग कराएंगे और इतनी चीज़ें आ गई स्किन को लेके, वो तो सब की सब मशीन से होंगी। और जहाँ मशीन का नाम आ जाता है वहाँ पर इलाज हो जाता है महंगा। लेकिन आज का शो उन तमाम तो लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं, और साथ में वो लोग जो कि मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं आपको ये बताऊँगी, मैंने इनफैक्ट जहाँ आज हमारी स्पेशल गेस्ट आपको ये बताएंगी कि मशीन से जो इलाज हो सकता है उसी को हमने आम घरेलू टोटकों में ला के किस तरीके से उससे भी हम इलाज कर सकते हैं, ये तो आज हमें बताएंगी हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्कीस, बिल्कीस आपा। और बिल्कीस आपा एक ऐसा मैजिकल ऑयल बनाने जा रही हैं, एक ऐसा मैजिक ऑयल है जो आज से पहले कहीं भी किसी भी चैनल पर किसी भी शो में नहीं बनाया गया। और मैं आपको बताऊं, ये मैजिक ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिससे आप अपनी बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, चाहे वो स्किन रिलेटेड हो, चाहे वो आपको अंदरूनी कोई मसला हो। ये मैजिक ऑयल
نہایت ہی جادوئی طریقے سے کام کرنے والا ہے. تو اور جو آج میری جو گیسٹ ہیں وہ بھی بہت پیاری ہیں جناب ان کے ساتھ, اور وہ اندر ہیں. اب وہ اندر ایک ایسے کمرے میں ہیں جہاں کا جو راستہ ہے وہ بڑی مشکل سے آتا ہے. تو میں آپ چاہتی ہوں کہ میں آپ کو جلدی سے اس جگہ پر لے جاؤں, اور اس جگہ پر جب ہم جائیں گے تو وہاں پر ہم ڈاکٹر بلقیس سے پوچھیں گے کہ آج ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں اور کن کن چیزوں کا علاج ممکن ہے. اور جو اسکن لفٹنگ کے لیے اتنی مہنگی مہنگی جو بھی مشینیں آ گئی ہیں جن سے اتنا مہنگا علاج ہو رہا ہے, اگر ہم گھر میں اس کا علاج کریں گے تو ہو جائے گا, افورڈیبل ہوگا؟ بڑی بڑا ڈفرینٹ سی بات لگ رہی ہے, کیونکہ جہاں اتنے لوگ بوٹاکس وغیرہ کرا رہے ہوتے ہیں, اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں, تو ان تمام تر چیزوں کا علاج ہمارے گھر میں ہے, ہم نے کچھ چیزیں لے کر آنی ہیں, کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تھوڑی سی ٹرکی بات ہے. تو جناب آ جائے, میں آپ کو ایک ایسے جادوئی کمرے میں لے کے جانے والی ہوں جہاں پر ڈاکٹر بلقیس کے پاس ہیں ایسی تمام تر بیماریوں کے بے انتہا علاج. سو جناب آ جائے میرے ساتھ. جی السلام علیکم. کیا آج ہمارے ساتھ چندل نماز ہیں. السلام علیکم چندل. چندل آج پہلی بار ہمارے شو میں ہے. السلام علیکم ماریا. کیسی ماریا؟ ٹھیک ہے. اور السلام علیکم آپا. میں کاؤنٹر میں کیسی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ مجھے بتائیں کہ آج جو ایک اسپیشل ایک میجک آئل بننے والا, پہلے تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں نا کہ یہ میجک آئل کیونکہ پہلے کسی چینل پہ کسی شو میں نہیں بنا. جی بالکل. اور بہت آسان اور بہت مہنگا. تو بہت ایکسائٹڈ ہوں میں جب سے یہ میجک آئل کا ویٹ کر رہی ہوں, کیونکہ اس سے کیا اسکن کا کیا اندرونی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. تو میں یہ سوچی تھی کہ آپ کا یہ تو بہت مہنگا ہوگا. نہیں بالکل بھی مہنگا نہیں ہوگا. اس کو پی بھی سکتے ہیں, اس کو لگا بھی سکتے ہیں. کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے جسمانی دردوں کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اسکن کی کوئی بھی ڈیزیز ہو, ایون اگر آپ کو اسکن سورائسز ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سدا جوان رہے آپ اس آئل کو لگا سکتے ہیں. اور اس آئل کو لگانے کے لیے آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں پر بھی جائیں, بالکل دو آئل مکس کریں اور آپ کا وہ چیز تیار ہو جائے. بس دو آئل سے؟ صرف دو. آپ نے کہا کہ اس آئل سے سدا جوان رہنے کے لیے یہ سب سے اچھا ہے. آپ سمجھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد بس لائنیں لگنے والی ہیں آپ کے کلینک کے باہر. نہیں نہیں میں نے یہ کہا اس لیے آپ, ہاں میں نے کہا کہ نہیں آپ خود ہی کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے پنساری کی شاپ پہ زیادہ. ہاں ہاں کہیں پر بھی جا کر آپ لے سکتے ہو, کہیں پر بھی جا کے لے سکتے ہو. بس اس کا خالص ہونا شرط. خالص ہونا شرط. آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ نہیں اب بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو خالص چیزیں دیتی ہیں. پولیو سے نکلوا لیں آپ, کہیں جا کے کون سے اپنے سامنے نکلوا لیں تو آپ کو یہ ہوگا. بالکل. اور آپ نے کون کی مشین تو دیکھی ہوگی نا کہ وہ مینولی اس کو جیسے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے آپا کے کلینک میں بھی دکھائی تھی, شو میں بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی. وہ اتنا نیچرل اور اتنا پیور لگتا ہے نا کہ کوئی اصلی چیز مل رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, تو اور میٹھے پھل کی صورت میں کبھی کبھی آپ کو جادوئی تیل بھی ملتا ہے. تو آپ کو کرنا پڑے گا صبر اس تیل کے لیے. اور میں آتے ساتھ آپ کو اس تیل کے بارے میں نہیں بتا دوں گی. کالر میرے ساتھ ہے, پہلے میں ان سے بات کر دوں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی مجھے بھائی. میں اچھا یہ میں اس کمرے ایسے کمرے میں آئی ہوں کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہر ایک کا ایکسس آسان نہیں ہے. اسی لیے جو کالرز ہیں نا, جو ہمارے اسپیکرس کی آواز کبھی یہاں پہ ایکسس نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پہ پہنچ ہر ایک کی آسان نہیں ہے. یہاں پر پہنچنا جہاں پہ میں کبھی اتنا آسان نہیں ہے. تو وہ جو آپ کی آوازیں نا وہ بھی یہاں نہیں پہنچ رہی. یہ ہم ایسی اسپیشلی غار میں چیزیں بنانے جا رہے ہیں. اچھا آپ میجک آئل تو ہو گیا جی. اس کے علاوہ آج ہم کیونکہ بات ہی کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزوں میں جیسے ماریا اور سندلا میں ایک بات سے ایگری کرو گی, جہاں جہاں پر مشینیں آ جاتی ہیں انوالو ہو جاتی ہیں آپ کے علاج میں, بہت ایکسپینسو. اچھا آج میں, ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز اتنی ایکسپینسو ہو جاتی ہے کہ ہر گھر بیٹھی میری بہنیں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے وہ ڈپریشن میں رہتے. اور آپ میں آپ کو بتاؤں ایک بار, بلکہ ہم نے شو میں ہم نے ایک علاج بتا رہے تھے, اس میں ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر تھے ہمارے وہ فارن کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے, وہ بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر وہ بتا رہی تھی کہ یہ چیز یوں کریے یوں کریے یوں کریے. لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتنے کا علاج ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بچہ اس کو سب چیزیں ملا کے پی آر پی ملا کے یہ کوئی 45,000 کا علاج ہے.
अच्छा अब मैं उस पे उनकी शक्ल देख रही थी कि हमारे यहाँ यहाँ लोगों की तनख्वाह जो है अच्छी अच्छे स्कूलों में, मैंने बहुत सारी टीचर्स की भी ऐसी देखी कि वो बेचारी 20,000 से बेचारी काफी अच्छे से जॉब करी थी, इसके ऊपर उनकी तनख्वाह ही नहीं होती नहीं तो 45,000 अफोर्ड करना तो वही बड़ी आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। यही पीआरपी का कि हम शूट कर रहे थे तो मुझे ना एक ही तरफ थोड़ा सा ना एक पिंपल्स बना, तो मैंने उसको हो रही थी तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये स्कार्स बनने शुरू हो गए, तो मैं पीआरपी मैंने करवाई तो ऐसे ही 45,000 मैंने पे किया और फर्स्ट वन सिटिंग का, और मुझे उसका कोई इतना खास इफेक्ट नहीं मिला और उसका एक मुझे साइड इफेक्ट जरूर मिला है कि मेरे फेस के ऊपर ना व्हाइट कलर के वो पैचेस पड़ गए। आय हाय, जो मेरी स्किन, जो मैंने कहा कि ये थोड़े से स्कार्स जो बन गए हैं वो ठीक हो जाएंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि लोग हर डॉक्टर के पास जैसे एड चल रहे हैं कि पीआरपी के लिए आ जाए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, ये है, ऐसे हर किसी के पास नहीं जाए। एक एक आपको डॉट नजर भी आ रहा होगा, इसकी वजह से ये पूरे वाइट वाइट छोटे छोटे ये बन जाए। अभी तो एड चल रहे हैं इस डॉक्टर के पास आ जाए। सही नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेरे साथ ये हो चुका है। अच्छा आप पहले, अच्छा मैजिक रिजल्ट किसी के भी नहीं होते, पीआरपी के भी आपको सेशंस लेने पड़ते हैं तब जाके उसके रिजल्ट। अच्छा आज मैं पहली चीज अपने बहनों को एक ऐसा तोहफा दूंगी, छाइयां। छाइयां जाती नहीं है, चाहे आपको कल उसको मलाजमा का नाम दे, हाइपर पिगमेंटेशन का नाम दे, उसकी वजह से मेरी बहनें डिप्रेशन में चली जाती हैं और उसके बाद पैसा भी खर्च करती है, स्किन को भी तबाह बर्बाद करती। अगर आपका अभी स्टार्ट हुआ है तो सिर्फ दो चीज़ें, वो भी तकरीबन हर घर में होती, तकरीबन हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि एक्सेस हर खातून की हो, खूबसूरत नजर आना हर एक का हक है। तो आप अपनी खूबसूरती अपने बजट में कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान, आप ये बात करते हैं तो ये बात सिर्फ खवातीन के लिए या बंदों के लिए? दोनों के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए है। अच्छा देखें, ये है रायदाना, सही है, हर घर में होता है, हर घर में होता है, ठीक है। आपने ये लेना है 30 ग्राम। अच्छा दूसरी चीज है सुहागा, सुहागा सुहागा आपने लेना है 10 ग्राम। 30 ग्राम और 10 ग्राम आपने सुहागा लिया। सुहागे को पहले मैंने तवे पे फुला लिया था, फुलाने के बाद अब मैं इसको पीस लूंगी, ठीक है। इन दोनों को पीस के ये आपकी दवा तैयार होगी। अब इसलिए आप ये जो है झाइयों के लिए, कोई अब झाइयों के लिए फोन ना करे, अभी सुनिए, अभी सुनिए, दोनों जिसके लिए इतना आप लोग परेशान हो रहे होते हैं, अगर आपके चेहरे पे हो झाइयां, जिसके लिए हम फिर अपनी पीआरपी वाला सारी करा रहे होते हैं, तो आपा आपने पीआरपी के पैसे बचाए हैं, वो कैसे इसको नीचे से, हाँ हाँ नीचे से मैं करती हूँ, रुके नहीं नहीं हो गया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपा से कहूँगी जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी है। हाँ देखिए अब आपने क्या करना है, आपने झाइयों के लिए हाइपर पिगमेंटेशन है आपकी जगह डार्क हो रही है, काली हो रही है, दाग पड़ रहे हैं, काले दाग पड़ रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने राई ली 10 ग्राम और सॉरी 30 ग्राम और सुहागा तवे पर फुलाकर आपने ले लिया 10 ग्राम, ठीक है। आपने इसको क्या किया, लगाने का तरीका है कि आपने चेहरे पर इसको रोजाना लगाना है, थोड़ा सा आपने लिया दोनों को जो मिक्स का पाउडर बनाया, इसमें थोड़ा सा आपने पानी मिलाया, पेस्ट बनाया, रात को अपने अच्छी तरीके से मसाज की, हो सकता है कि शुरू में आपको हल्का सा इचिंग हो, सही। सुहागा तो वैसे बोरेक्स होता है तो ये आपको काम ये सिर्फ उस पैच पे करना जहाँ चाहिए, पूरे फेस पे लगा सकते हैं आपको, सिर्फ जो पैच बना हुआ है उस पे करना है अच्छी तरीके से। इसको आपने थोड़ा सा फूलने के लिए रख दिया तो ये जरा सा फूल जाएगा, उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज किया, उसके बाद आपने टिश्यू से रब किया और पहले आप पैच टेस्ट कर लिया। अच्छा ये उनके लिए नहीं है जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन अगर बहुत ज्यादा है और कट्स लग गए हैं, उस बहुत ज्यादा स्किन गर्म हो रही है, तो पहले इसको स्मूथ करें, फिर हम इसको कैसे करना है, हाँ मॉइस्चराइजर लगाएं पहले, हाँ कोकोनट ऑयल आप लगा लें, आर्गन ऑयल आप लगा लें, आप उसको मॉइस्चराइज करें। सरसों का तेल स्किन के लिए कैसा है, बेहतरीन, ये भी तो सरसों का बीज है, हाँ ये भी तो, देखिए सरसों अपने घर में रहना रखना बरकत की निशानी होती है, इसका तस्करा कुरान हकीम में, तो लोग जितना और सरसों का तेल जितना पुराना होता है इतना ही अच्छा हो जाता है। अच्छा आपने सरसों की बात कर दी तो मुझे एक टोटका याद आ गया, हाँ। आपने 1 कप सरसों का तेल लेना है, 1 चम्मच काला जीरा लेना, दोनों को पका लें, सही
उसके बाद छान लें, उसके बाद आप ये स्किन पे लगाएं, ये भी बहुत अच्छा है। ये किस चीज के लिए? ये जिनको इचिंग बहुत होती है। अच्छा देख, जैसे मेरी वो बहन है जिन्होंने, होगी ना लोगों को बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत मेरे बेटे को तो पसीना आने से। हाँ तो आप ये वाला आराम से जो है ना, सरसों के तेल के अंदर क्या मिलाना है? काला जीरा मिला के पका के बस वो ऑयल से मसाज। हाँ बस। अच्छा पापा मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने ये झाइयों की बात की है, मेरी सिस्टर के ना वैक्स करवाने से यहाँ पे एक ब्लैक पैचेस पड़ गए दोनों साइडों पे, स्किन बर्न हो गई है, तो उसके लिए भी ये ठीक है? जी जी बिल्कुल, उसके लिए भी। आपको मसल बताऊँ, ये सैलून वाली ना ये अपने पे तो खैर कभी लेती नहीं, आप ही आईब्रोज खराब करेंगे और मुकर भी जाएंगी। आप लोगों ने नोट किया होगा, आप घर के पास जाते हैं आईब्रोज बनाने के लिए, वो एक महीना पहले जिन्होंने आपकी आईब्रोज बनाई होती ना, आप अगले महीने उनके पास जाने होगी, किससे बनाई थी आपने आईब्रोज? और प्लीज 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 आप जब एक तो ये वैक्स आपके चेहरे पे लगाती हैं, ये इस्तेमाल शुदा वैक्स होती है, फिर इनका अपना मुंह तो होता नहीं है भाई, इन्होंने आपके मुंह पे हर तरह का तजर्बा करना होता है, इसलिए ये जो मुंह है ना, ये आपने हर जगह कहते हैं यही मुंह हर जगह कहते ना, मैं लोगों को क्या क्या लोगों के सामने मुंह दिखाएंगे, तो ये मुंह का ख्याल रखें। खैर मैं और क्या है, कौन रहा आपा, मजे की बात है, बहुत ही मेरी बात यारी जो खुद कुछ नहीं करती। हाँ मैं इसकी गवाह हूँ, मैं इसे कह के थक जाती हूँ, मदिया आ जाओ फेशियल करवा लो बहुत, लेकिन माशाल्लाह इसकी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह। कॉलर कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम, मोजा योगा दरवाज आ गई, हेलो होगी जी, आ गई आवाम की मेरी सारी होगी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? हेलो 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 बहन, एक तो टीवी की आवाज बंद, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इतनी बार हेलो बोलती हूँ मुझे हेलो अजीब लगने लग जाता है कि हेलो क्या वर्ड है जी। हेलो ये तो मेरी चेयर बन गई, नहीं अब हेलो नहीं, अब हेलो नहीं मेरी बहन, कुछ और बोले हेलो के अलावा, अस्सलाम वालेकुम बोल दें, पूछे क्या हाल है, फिर आवाज आ गई हेलो, अब मेरे हेलो वाला मेरे रोने लग जाने, अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर साथ है, हेलो हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम सब मिलके बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है जी? हेलो मगिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ, क्वेटा से, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पूछना चाहेंगी? जी डॉक्टर बिल्कीज जो है बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया जी, आपा के बिहाफ पर मैंने शुक्रिया बोल दिया। जी डॉक्टर बिल्कुल से ये पूछना चाहूंगी कि स्किन लेयर पतली हो जाए तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है? स्किन थिन हो जाए, ठीक है बता दो, क्योंकि आप ये मुझे आपकी आवाज नहीं आई, आपको समझ आई पापा? और आपने देखा कि मैंने किस तरह से HELLO नहीं बोला, अवॉइड किया मैंने, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी ढेर सारी कॉल्स भी शामिल करेंगे और फिर से आपको बताएंगे झाइयों का इलाज किस तरीके से घर में बगैर पीआरपी के, बगैर मशीन्स के, लेकिन थोड़ा सब्र से कैसे करना है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद बताते कहीं मिल जाएगी। इस्तकबाल है उस माह खास का जिसमें छुपा है राज हयात का।
स्पेशली जाके जो कि सर्दियों में रोज़ ब्यूटी पार्लर से, जी बिल्कुल यकीन माने ऐसी ख़वातीन हैं जो कि रोज़ जो है वो सैलॉन्स जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं ब्लो ड्राई कराने के लिए, क्योंकि ना कि बाल आपकी शख्सियत का बड़ा नुमाया हिस्सा होते हैं, आपके बाल अच्छे नहीं लगेंगे तो आप अच्छे कैसे लगेंगे। लेकिन अब मसला आपको पता क्या हो गया, ब्लो ड्राई आप जितना मर्जी करा लें ह्यूमिडिटी इतनी है कि वही बात ना कि आप बिल्कुल बब्बर शेर वाले आपके बाल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जो घरों में हमारी बहनें, जो लड़कियां घरों में बाल स्ट्रेट करती थी, अब वो भी नहीं कर पा रही। नहीं नहीं, अब हर चीज ह्यूमिडिटी पे नहीं डालनी, लाइट ही नहीं आ रही ना तो बाल कैसे स्ट्रेट करेंगी भाई। आप कोई बाल स्ट्रेट करने के लिए, कोई बाल अच्छे लगे हम कि जहाँ लोगों को बगैर बालों के ब्लो ड्राई स्ट्रेट किए लोगों को अपनी शक्ल और बाल दिखा सकें, पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, और ये एक ऐसा नुस्खा है जिससे ना सिर्फ आपके बाल अच्छे होंगे और ये आपके बालों को गिराने से भी रोकेगा। जितने भी आप केमिकल बाल, मेरे इतने बाल गिर रहे हैं अभी, मैं मारे को दिखा रही थी, मैंने अभी सिर्फ बाल यूँ किए और यूँ मेरे लंबे बाल उतर रहे। बस ये कुछ डाइट ऐसे होते हैं ना जिनके बाद फिर तो छोड़ दिया, पर डाइट का नाम है, अम्मी ने नहीं से लाहौर से जूती फेंकनी है मुझे सही। अच्छा अब करना क्या है जी? आपने, आप लोग सब चाहते हो कि बाल आपके स्ट्रेट हो, आपके पैसे बचे और आपके बालों को नुकसान ना हो, क्योंकि देखिए ये वाले ट्रीटमेंट्स पे अगर आप जाते हो तो 15,000 से 20,000 रुपए या 25,000-30,000-45,000 तक जितने आपके बाल है उस तरह जाएंगे। यानी कि आपको सैलून जब आप जाते हैं और आपको लगता है ना आपके पास बड़े ज्यादा पैसे हैं, ठीक ठाक पैसे लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप जाएं तो जितने आपके पर्स में पैसे होते हैं वो भी, और बल्कि आप उधार मांगने में मजबूर हो जाते हैं, सैलून वाले ऐसे आपके पैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए दो चीजें घर में मौजूद होती है, कॉफी और देसी शक्कर, देसी शक्कर जो कच्ची शक्कर होती है। ठीक है, हमने सारी चीजें हम वजन लेना है और आपने ये सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है, एक दफा का रिजल्ट सैटरडे और संडे जिस दिन भी आपको, हाँ एक दफा आप कर लें और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इससे बाल स्ट्रेट रहेंगे जी, इससे बाल एक हफ्ते तक जलाने की जरूरत नहीं है। जलाने थोड़ी देर पहले मैंने जलाए, नहीं उससे पहले तो कभी नहीं जलाए ना आपने। ठीक है, अच्छा ये देखिए देसी शक्कर भी तो लगने ना, क्या करें। ठीक है, इन दोनों को, इन दोनों को मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को मैं पीस रही हूँ, कॉफी और देसी शक्कर। वैसे आज मैं देख रही हूँ आप सिर्फ दो दो चीज, दो दो जो है चीज़, नहीं नहीं इसमें चार, इसमें चार चीज, इसमें एक और चीज होगी ना। अच्छा चार चीजें। अच्छा ठीक है, ओके ये नहीं लगा है। ठीक है, शक्कर में थोड़ा सा ऐसा होता है, इन दोनों को पीस लिया हमने। हाँ जी सही है, अच्छी तरीके से मिक्स किया और फिर इसमें दूसरी चीज़ें मैं ऐड करती जाऊंगी, वो भी बहुत आसान है। आज आपको ना पता चलेगा कि सुहागा जो है वो आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है, दांतों के लिए तो है ही अच्छा, ठीक है, लेकिन ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये मिक्स किया आपने, इसमें दही हम मिला लेंगे। ठीक है, इसमें दही मिलाएंगे और जो चौथी चीज़ इसमें जाएगी वो मैंने फुलाने के लिए रख दिया था सुहागा। ये तीनों चीजें आपने हम वजन लिए, ठीक है मिक्स करना आप। जी जी बिल्कुल, आप मिक्स कर शाबाश किसी काम पे लगो। अच्छा जब तक देखें यहाँ पे हम लोग सुहागा को फुला रहे हैं, ना एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, आपने सुहागा कितना डालना है, ये सब आपने एक एक कप लिया है, सुहागा आपने दो चम्मच फुलाकर पीस कर पाउडर बना के दो चम्मच डालना है। ठीक है, आप जब सुहागा को फुलाते हैं तो सुहागा सच है पूजा हम कहते हैं फुलाना है तो वो सच फूल जाता है? जी जी बिल्कुल फूल जाता है। अच्छा। अब जैसे ही गर्म होता जा रहा है ना, गर्म होगा इसमें जितना पानी होगा वो सूख जाएगा। अच्छा। पानी सूख जाएगा बिल्कुल, ये जो है ना फिटकरी की तरह फूल जाएगा। अच्छा। ठीक है, जब ये फूल जाएगा, जैसे इसको तो मैंने आधा जो है ना फुलाया हुआ था मैंने दोबारा पीसा है और अब ये इसमें मिक्स कर लेंगे। अभी आप लोग इसका तजुर्बा कीजिएगा, आज ही आज इसका तजुर्बा कीजिएगा और आज ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा जो है वो बम फटे होते हैं, हाँ ये देखिए ये इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये जो वो करना है इसको में? दो हमने देसी शक्कर, हमने देसी शक्कर, हमने कॉफी, हमने दही और हमने सुहागा जो थोड़ा सा फुलाना है, फुलाकर पीसकर पाउडर बनाकर एक चम्मच दो चम्मच दो टीस्पून आपने डाला है, इसको मिक्स कर लिया। अब इसको लगाने का तरीका ऐसा है, आपस में तो दूध डाल दे तो पता नहीं ये कहने लगे काफी वाले स्मूदी टाइप कुछ बन जाए। आ सकते नहीं 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 जज्बाती नहीं हो ना, अंदर से भी स्ट्रेट हो गई। अच्छा अब लगाने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे मैं अपनी बेटी के बालों में बता रही हूँ कि इस तरह करके फिर आपने इसको जोर से लगाते रहना है, ऐसे जैसे आप स्ट्रेटनर करते हैं आपने वैसे ही इसको लगा के इस तरह कर करके इसको और स्ट्रेट हो जाएंगे आपके बाल, छोड़ दीजिए। अच्छा। आपने मेहनत करनी है, पार्टिंग करके थोड़े थोड़े करके आपने ये लगाना है, मेहनत करनी है जैसे आप स्ट्रेटनर के लिए करते हैं। हाँ।
उसके बाद आपने जो है ना एक घंटे बाद माइल्ड शैम्पू से धो लेना है। एक अटेम्प्ट आपके फ्रिजी बालों को अच्छा करने में आपकी मदद करेगा। आप देखिए ये गर्म हो गया ना तो ये भी फूलना शुरू हो गया। ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी रेमेडी है। ये नहीं निकलेगा, ये आपके एक हफ्ते में एक बार करेंगे तो आपके लिए काफी है। आप स्ट्रेटनिंग के लिए, मेरे पास बहुत सारे ब्राइड्स आती हैं, वो कहती हैं बाल गिर रहे हैं, हम क्या करें, लेकिन हमें बाल स्ट्रेट भी कराने, तो मैं यही नुस्खा उनको देती हूँ। मैं कहती हूँ कि बजाय के वो करने के आप जो है ये वाला नुस्खा कर ले, इससे उनकी बचत हो जाए। अच्छा, आपका यानी कि वो आपकी बहनें जो बेचारी घंटा घंटा लगा के आपके बाल स्ट्रेट करती हैं और उसके बाद फिर आपकी ह्यूमिडिटी की वजह से फूल जाते हैं, तो उन बहनों से कहें कि भाई एक दफा मेहनत कर लो मेरे बाल पे, ताकि भाई आगे जान चुके, क्योंकि बहनों ने शादी होकर अपने घर भी जाना होता है, अब उनके घर से जाकर बाल स्ट्रेट नहीं कराएंगे ना, लड़ाई भी होती है, सही नहीं होती। अगर मैं तो बाल खुद आपस स्ट्रेट करना, खराब तो बाल में रहेंगे, तो मैं बड़े आराम से फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरी बड़ी बहन उसके बाल माशाल्लाह ज्यादा है, कभी नहीं वो बेचारी नहीं कर सकती अपने बाल स्ट्रेट, उसके बालों में कहीं ना कहीं वेव रह जाता है। नहीं तो वो ये खुद भी अपना ट्रीटमेंट, जैसे खुद कलर लगा सकते हैं, तो खुद अपने अपना ट्रीटमेंट भी खुद कर सकते हैं अपने हाथ से अच्छी तरीके से। पारे वो फिल्म देख रही साथ साथ, बस सिनेमा में ना ले जाइएगा, मदिया ने बोला था फिल्म देख रहे हैं तो साथ साथ बालों का ट्रीटमेंट हो ना, तो उसका रिजल्ट आपको मिला, जितनी नेचुरल चीजें मैंने एलोवेरा ट्राई किया था मुझे इतना इंस्टेंट रिजल्ट मिला बालों पे, इतनी खुशी बालों पे, हाँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इवन उसको मैंने जब ब्लो ड्राई किया तो वो इतना खूबसूरत रिजल्ट लगी नहीं रहा। चले एलोवेरा के को हम बालों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपस से फिर पूछूंगी, लेकिन कॉलर मेरे साथ काफी देर से वेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है जी? क्या मदिया, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं बात कर रही हूँ जी, मैं हिना बात कर रही हूँ, क्या हाल है डॉक्टर बिल्किस, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्लाह का, आप तो बहुत ही अच्छी नेचर की हैं डॉक्टर बिल्किस, तो उनका तो जवाब ही नहीं है ना, बहुत अच्छी आदत है। बहुत शुक्रिया। कुछ पूछनी भी चाहेंगे हिना? डॉक्टर बिल्किस, मैंने अपने बेटे के लिए बात करनी थी, उसकी एज 17 साल है, उसको मस्से बहुत निकल रहे हैं, मैंने दो दफा उसका ट्रीटमेंट भी करवाया है, होम्योपैथिक का भी करवाया है, लेकिन आराम नहीं आ रहा। अच्छा, मस्सों के लिए बेटा फिर आप उसको लेकर आओ, क्योंकि मस्सों का ट्रीटमेंट भी होता है, मस्सों को निकालते भी हैं, हमारे पास डॉक्टर भी हैं, आप हाँ आप लेकर आ जाओ घर में। आप ऐसा करो, कैस्टर ऑयल में चौक पाउडर मिक्स करके जहाँ जहाँ मस्से हैं वहाँ लगा लो, ये घर का ट्रीटमेंट है, सेफ ट्रीटमेंट है, तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है? और मस्से निकलने के रीजंस होते हैं, हमारे जिगर में कोई भी ऐसी चीज़ जो वो बर्दाश्त नहीं करता तो वो बाहर फेंकता है, ये वायरल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, और कोई लीवर इशू भी हो सकता है ना, हेरिडिटी में होते हैं, वायरल होते हैं लीवर, तो वो सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अच्छा, आप सॉरी मैं बात काटी थी, मैंने कहा जहन से निकल जाए, हमारी कोयटा की बहन थी, और वो जो स्किन ट्रीटमेंट जो बहुत पतली स्किन होती है, तो उसके लिए वो मैजिक ऑयल बहुत अच्छा है ना बेटा, फिर मैजिक ऑयल भाई हमारी बहन की, मतलब देखिए उस वो आप उसको मैजिक ऑयल कह सकते हैं, और वो ऐसा ऑयल है, और आपको बड़ी हैरत होगी कि यार, और दोनों के इतने फायदे, मगर वो मिक्स करके क्या फायदा होता है वो आप फिर आप जानेंगे। एक और कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है जी? मैं नासरा सांगवाल से बात कर रही हूँ जी, कैसी हैं, क्या पूछना चाहेंगे जी? वैसे मैं डॉक्टर बलसिंह से पूछना चाहूंगी, तो उनकी बारिश को ज्यादा करूंगी, मैं आपका प्रोग्राम तकरीबन 4 साल हो गया देख रही हूँ, तो और इसके अलावा मैं अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ, मेरे आवाज आवाज थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे, मेरी बेटी की एज है तकरीबन 15 साल ना। अच्छा, उनका कलर बेसिकली मास्टर से बहुत प्यारा था, अब जो आपका कलर था वो ब्लैक होना शुरू हो गया, वो स्कूल जाती है और उनसे पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, एक तो आपके बच्चे बाहर खेलते भी, दूसरा आप अगर लिवर
अगर बच्चे का कलर बिल्कुल लीवर का चेकअप कराना चाहिए। फलों का बादशाह है वह आम, इसका भी ज्यादा इस्तेमाल करें। इसकी एक स्मूदी बनती है रंग साफ करने के लिए, उसमें होता है आम और पालक के पत्ते। आम और पालक के पत्ते ब्लेंड करें, अपने बच्चों को दें, इससे उनका कलर खिलने लगेगा, क्योंकि आम सब शौक से खाते हैं, लेकिन पालक इसमें मिक्स करें। और ये जो फलों का बादशाह जो आ चुका है इस मौसम में, तो जनाब सबसे पहले हम देखे ना, आम देखे समा बाजी ले गया, तो आम में लाने में भी ना समा बाजी ले गया, ठीक है। तो अब तो इस पर तो बहस बनती नहीं। मैं छोटी सी ब्रेक पे तो जा रही हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो ये आम जो मैंने फलों का बादशाह जो स्पेशली भी रखा हुआ है, मैंगो पार्टी तो आगे जाके करेंगे, लेकिन हमने अभी से लाके बता दी कि एक्सक्यूज मी मैंगो आ चुके हैं, हाँ मैंगो आ चुके हुए हैं और सामान आपके सामने लाके मैंगो रख दिए हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे, कहीं मजा आएगा। खुशियों का पैगाम, ये रजाए रब का है सामान। सुबह सहरी समा के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। जनाब एलोवेरा का पौधा हर एक के घर में होता है, और आज मैं बालों का इसलिए बाबा पूछना चाह रही हूँ, मेरी सुई बार पर अड़ गई बालों पे, वो सिर्फ ही मेरे अपने बाल बहुत गिर रहे हैं। आप एलोवेरा से हम बालों को कैसे कर सकते हैं, कोई मास्क अपना बना सकें, तो कोई छोटा सा टोटका हो जिसे बता दें। हाँ बिल्कुल बता देती हूँ, मेरे पास एलोवेरा सूदिंग लोशन है, हाँ जो हमारी कंपनी का बना हुआ है, सही है। आप ये देखिए पूरा एलोवेरा में ही हमने सिर्फ दो चीज़ें टी ट्री ऑयल और ये सब मिलाया है ना, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आप भी ले सकते हो। अच्छा, क्योंकि अचानक सवाल आया तो इसलिए मैंने अपनी प्रोडक्ट उठा ली, इसमें ये है अचानक रेमेडी, अचानक अचानक रेमेडी। अच्छा, मुझे एलोवेरा जेल में जब भी यूज़ करती हूँ मुझे एक्नी बनना शुरू हो जाती है, हल्दी इस्तेमाल मुझे सूट नहीं करती, नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एलोवेरा में कोई चीज नहीं छोड़ी ना, हर पता नहीं क्या 45,000 का ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट करती रहती, इसीलिए तो ये। अच्छा, इसमें आपने तिल का तेल मिला लिया, अच्छा ठीक है, तिल का तेल आपने मिलाया। अच्छा, अगर आपके घर में अदरक है तो अदरक, नहीं तो अदरक का एसेंशियल ऑयल मेरे पास मौजूद है तो हम लोग इधर से ही ले लेते हैं, जिंजर ऊपर रखा हुआ, जिंजर, हाँ ठीक है, इसके चंद कतरे हम मिला लेते हैं, तो ये आपका हेयर पैक तैयार हो। आपने क्या करना है, घर में आपने एलोवेरा लेना, सेसमी ऑयल लेना और प्योर जिंजर एसेंशियल ऑयल, नहीं है घर में कोई मसला नहीं, आपका अपना जिंजर जो है उसका जूस निकाल लें, वो इसमें मिक्स करें, ओके ठीक है, उसका जूस ज़्यादा आपको मिक्स करना पड़ेगा। आप देखें ऐसा आपको लगेगा कि आप अदरक के बाग में खड़ी, उससे आपका ये होगा कि जो आपको इचिंग होगी इसका मतलब वो बाल उगा रहा होगा आपका अदरक का, इसलिए जरूरी है, इरिटेंट है, इरिटेंट है, पोर्स को सही करेगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बालों के लिए अच्छी होती हैं, ये देखिए, ये मेरी बहनें जिनके बाल गिर रहे हैं, मेरे भाई जिनके बाल गिर चुके हैं, वो दोनों कर सकते हैं, जिनके बाल गिर चुके हैं, हाँ वो भी, जिनके बाल नहीं गिरे मेरे जैसे लोग वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और आपको अच्छा करना है, आपने आंवला पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर लिया, और हाँ आमला पाउडर, अब हर चीज का कोई ना कि रिप्लेसमेंट सेंस आ गई है, खुदा ना खासा आपके बाल गिर रहे हो तो आप एक सेंसर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो अपने वो उसकी बात ही अलग होती है, उसकी बात ही अलग होती है कि जो आपके अपना बाल हो उसकी बात ही अलग होती है। जी बिल्कुल सही, मैडिया आज मैं तो नहीं जाने वाली, क्योंकि इस रूम में जो खजाना है ये कहीं नहीं मिल सकता, शो की बात है, किसी भी बैंक में उनके लॉकर में इतना ही महंगी चीजें नहीं होंगी सीरियसली, क्योंकि जिस चीज में आपकी बीमारियों की शिफा है उससे महंगी होगी, अगर वो भी आपको सस्ते दामों मिल रही है तो आपको और क्या चाहिए, और इतनी प्रॉपरली लिखी हुई, इतनी अच्छी लग रही है ना सारी। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, ये जो प्योर यहाँ पे जो तेल पड़े हुए ना, काले तिल का तेल, से सरसों का तेल, नारियल का तेल, इसमें जो मुझे पहले सब मेरी नजर नहीं पड़ी थी, सबसे ज्यादा जो महंगा अंडे का तेल, अभी ये मुझे लग रहा है, अभी आप बताएंगे, क्योंकि इतनी सी बॉटल आपा तो बहुत महंगी आती है, इतनी बॉटल कितनी महंगी होगी, महंगी तो होगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं देसी अंडों का तेल निकालते हैं, अच्छा। वो भी हमारे फार्म हाउसेस जो है उनसे हमारे लिंक है कि वो मुझे ब्रेक लेनी फ्रिज में नहीं रखना वरना अंडे का तेल। ओहो, तो मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ जनाब, आप लोग कहीं मजा आएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
खुशियों का पैगाम, ये रजाए रब का है सामान। सुबह सहरी समा के साथ। खुशियों का पैगाम, ये रजाए रब का है सामान। सुबह सहरी समा के साथ। साथ साथ जो मैं मशीनी ट्रीटमेंट्स की बात कर रही थी और आपा के पास यहाँ पे जो मशीनी ट्रीटमेंट्स है, और एक और चीज़ अनाउंसमेंट थी, इंपॉर्टेंट में भूल ही गई, जनाब 10 दिनों के लिए आपके आज से लेके आगे आप 10 दिन खुद ही गिन लें, आपा की जानिब से एक स्पेशल गिफ्ट है उन तमाम तर लोगों के लिए जो मैं देख रही हूँ, आपा खुद ही अनाउंस कर रहे हैं। हमारे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं सब पे 50% ऑफ, जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं डॉक्टर बिल्कीस के क्लिनिक में, क्योंकि डॉक्टर बिल्कीस के क्लिनिक में वो तमाम तर प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं जो कि एक तो ऑर्गेनिक होते हैं और साथ में उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उन तमाम तर चीज़ों, और आपको पता है ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं, उन तमाम तर चीज़ों का ट्रीटमेंट 50% ऑफ ऑफ ऑफ। तो जनाब 10 दिन है, अवेल कर लें फौरन रमजान में। अच्छा, मैं अपनी बेटी को कहूँगी आपने कहीं और से कराया, आपके PRP के आपको नुकसान हुआ, ठीक है, उन्होंने पता नहीं क्या था, लेकिन आप हमारे यहाँ से कराएं और जो हम आपको टाइम दे उस वक्त तक कराएं, आपको यकीनी रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जनाब डॉक्टर सदर ने भी मैं ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर आते हैं आपकी डॉक्टर सदर से मुलाकात होती है, और उन्होंने PRP की बात की तो डॉक्टर सदर यहाँ पर भी, हम पहले भी बहुत बता चुके हैं, लेकिन आज हम क्या करें कि मीजोथेरेपी करें। मीजोथेरेपी क्या होती है? मीजोथेरेपी में हम PRP में जस्ट ब्लड लेते हैं और उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो सेपरेट करते हैं। अच्छा, मैं बता दूं लोगों के लिए ना, और आसान, आप ही की स्किन का इलाज आप ही के खून से, खूनी इलाज नहीं है ये यानी कि आपके जब अक्सर बीमार होते, बहुत मतलब ऐसा भी होता है कि आप ही के खून में से या फिर आपका जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें से प्लाज्मा निकाल के लगाया जाता है, लेकिन ये आप ही के खून में से प्लाज्मा आप ही के खून से और फिर आपके स्किन में वो लगाया जाता है, और अल्लाह पाक ने देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ रखी है साइंस के, आप ही के खून से आप ही के मसलों का इलाज है। बिल्कुल, तो वो PRP में आता है। मीजो में हम क्या करते हैं कि मीजो गन यूज़ करते हैं या रोलर यूज़ करते हैं, अभी हम मीजो गन यूज़ करेंगे। इसमें क्या है? इसमें जस्ट ये हमने सीरम्स ऐड किए हैं इसमें, ठीक है, प्लाज्मा के साथ हमने ऐड किए हैं कि प्लाज्मा तो है इसमें, जैसे PRP में जस्ट प्लाज्मा ऐड कर रहे थे, दर्द नहीं लग रहा, प्लाज्मा तो है, हमने सीरम्स भी ऐड किए हैं। और अच्छा, कुछ नहीं होता इसमें, पेन नहीं होती। अच्छा, ये मेरी पेशेंट है, इसको अभी हमने, हालांकि इनकी इतनी झाइयाँ थी, इतनी थी, मेरा चेहरा खराब था, काफी चेहरा खराब था मेरा, मैंने काफी जगहों से इलाज करवाया, मुझे फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ से भी जब करवाया ना तो अब मुझे काफी फर्क पड़ा है। कितना कितना टाइम लगा मुझे? 1 साल से तो ज्यादा हो गए ट्रीटमेंट करवाते हुए, क्योंकि यही वाली बात कि आपका ना जितना क्रीमें भी यूज की थी ना, शायद उसमें काफी उससे भी हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छा अभी नहीं, बात सुने, ये आपने इनका चेहरा नहीं देखा था, ये बिल्कुल ब्लैक था, पूरा ब्लैक था, उसके बाद आप डिप्रेशन में रही होंगी मुझे अंदाजा है, काफी मैंने इतना इलाज करवाया, कहाँ कहाँ से नहीं करवाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से मुझे फर्क पड़ा। माशाल्लाह, अभी तो मुझे जैसे पिछले 15 दिन पहले जब मैं आई थी, मेरा जैसे हिजामा करा तो उससे मुझे काफी फर्क पड़ा। हम लोग ये नहीं करते ना फौरन से, ऐसे नहीं कि एडवांस पे नहीं, इनको दवाइयाँ ही खिलाई है, दवाइयाँ खिलाई है, अच्छा, पाउडर, शहद, इस तरह, मतलब पहले इनकी स्किन फटी हुई थी, ड्राई थी, पैची थी, आप देखें इनकी स्किन काफी हुआ था मेरा, बिल्कुल खुद हो गए थे, काफी खुद ही कम होते चले गए। यही चीज नोट करी थी कि इतने पैचेस हैं इनके फेस पे, लेकिन आप इनके चेहरे पे शाइन देखें, फिर भी हमारे चेहरों का इनके फेस पे ग्लो आ रहा है, ग्लो कर रहा है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे डॉक्टर साहब, इनका स्टार्ट करते हैं, Is it painful procedure or that painful? क्योंकि हम just superficially inject कर रहे हैं, तो इनके ये जो serums है ये add होंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर भी apply करेंगे। सिर्फ में हमारे जैसे इनके freckles है तो brightening serum add करते हैं, और अगर जैसे गड़े वगैरह हैं तो फिर hyaluronic acid वगैरह इस तरह के serums add करते हैं PRP के साथ। ठीक है, तो ये हल्का सा पता भी नहीं चला, जस्ट ये एक शॉर्ट्स लगते हैं इसके, ठीक है, और ये इसके अंदर पेनिट्रेट करता है, अगर आप जरा क्लोजअप दिखाएं तो,
ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, जस्ट हमने इसका एक एक पैच जरूरी आपको फोन आ रहा है जी, ये आपकी डॉक्टर का फोन है? नहीं नहीं, सदा कैसा जरूरी फोन देखा ना जब टीवी पे आते हैं ना, अच्छा जब मेरा भी जो नए नए आप होते हैं ना टेलीविजन पे आते हैं, तो आपके कोई दोस्त उसी वक्त कॉल कर रहे होते हैं, आप खबरें पा रहे हो, इसे बताने के लिए ये मेरे दोस्त है और कॉल कर रहे हैं, कोई इजी हो जाए। हम अक्सर शूट में ऐसे करते हैं, एक दूसरे को तंग करने के लिए कर देते हैं। एक दफा ऐसा हुआ था न्यूज पे, मुझे 10 दफा तंबीह की गई, फोन बंद कर दीजिएगा, फोन बंद कर दीजिएगा, फोन बंद कर दीजिएगा, हर स्टेप पे मुझे बताया गया, मैं गई अंदर, मैंने कहा जी जी जी, जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया मेरा फोन बजना शुरू हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अब हमने फोन बंद कर दिया। शो के बाद बात कीजिए। अच्छा आप बताइए, वो भी जानबूझ के लगते तंग करे, ये कहां से साइलेंट पे ले, और उसके बाद फिर रिश्तेदार नाराज भी हो रहे होते हैं, क्योंकि आपने फोन नहीं उठाया यार, हम तुम्हें फोन कर रहे हैं। और मेरी भाभी चित्राल से हमेशा जब मैं समा पे बजता है तो मुझे यकीन होता है कि वही फोन कर रही है। अच्छा मैं अब हल्की से परेशान हूँ, मैंने कहा मेरे हाथ में से क्या चीज़ें, पानी की बॉटल भाई, बहुत सारी बीमारियों का इलाज तो इसलिए है, पानी की बॉटल प्लीज साथ रखें। अच्छा ठीक है जी, इनका हम ये मीजोथेरेपी है, और मीजोथेरेपी से आप कह रही हैं कि हमारी स्किन की छाइयाँ चली जाती हैं, मुझे बात कर दिखाएं, आप मुझे बंद करना पड़ेगा, इसका रिंग वहाँ से ऑफ होगा, जरा इसका रिंग ऑफ जी, साइड से ये बस जी, इसका मैंने रिंगर कर दिया है ऑफ, अब बजाते रहिए जितना बजाना, अब नहीं हम ना बजेगा ना हम डिस्टर्ब होंगे, हम फोन बजने देंगे। हाँ वैसे डॉक्टर्स का फोन 24 घंटे बजता है। ओए होए भाई, कोई बहुत ही एक मिनट दिखा दे, रुक जा आप फोन, मैं हां कर दूंगा जी, अभी हम लाइव शो में हैं, तो लाइव शो के बाद प्लीज आपको कॉल बैक करते हैं, मेरा नाम है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अब नहीं आएगा, अब आना नहीं चाहिए, कुछ तो नहीं चाहिए, ये जनाब माजरत कर लीजिएगा आप उनसे कि जी मदीहा ने फोन उठा लिया था क्योंकि हम लाइव पे। अच्छा ओ बिस्मिल्लाह, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा क्योंकि वो उन्होंने उसमें और जितना ब्लीडिंग हो ना वो भी अच्छा है, क्योंकि आपके पोर्स खुलते हैं, इसको वैसे भी मीजोथेरेपी को वैम्पायर ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊं, मैंने इतने लोगों की शक्लें जो हैं चेंज होते हुए देखी हैं, वो लोग जिनका रंग बहुत खराब हो चुके थे, बहुत जरा अल्लाह माफ कर, ये वही ट्रीटमेंट है ना, बालों फाड़ देना फिर बाल गिरे, तो मैंने सुना था वो वैम्पायर फेशियल, में कहते हैं ये कौन सा फेशियल होता है वैम्पायर फेशियल, तो आंखों में वो हो जाता है कि किसी के दांत यू बाहर आते होंगे, वो पता नहीं आ जाते होंगे क्या करते होंगे, नहीं वो ये है शायद यहां पे कोई इंजेक्शन करे शायद, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज आएगी कॉलर्स की, फिर मैं कॉल लेना शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी, मेरे कॉलर्स भी समझ में नहीं आ रही थी, और अब एलिस इन द वंडरलैंड खेल रहे हो। अच्छा मैं डॉक्टर विक्की से ये पूछना चाहती हूँ आपा, कि ये कुछ लोग जो ये डर्मा रोलर जो घर में यूज करते हैं वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका ये बताइए, क्योंकि जो है हम एक हाइजेनिक इन्वायरमेंट नहीं होता, अगर वही ब्लड होता है उसके बाद हम उसी तरह उसी ब्लड, क्योंकि ज़्यादा ब्लड निकलने से भी जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, जर्म्स जो है वो हो जाते हैं, उसके बाद क्योंकि प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं होता, प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती, कि हम उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, खातीन के लिए जिनके चार चार पाँच पाँच बच्चे हैं, जो पूरा पूरा घर में, यंग लड़कियों को तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, प्लीज मम्मा चले मम्मा, बहुत अच्छी बीमारी है, क्योंकि आजकल जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, उनको भी बहुत शौक है खुदा के लिए अपनी स्किन, इतनी आप जितनी अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कराएंगे उतनी आपकी स्किन यूज्ड टू भी हो जाएगी, स्किन को थोड़ा रेस्ट रेस्ट है, सिर्फ रेस्ट, छोटी छोटी बच्चियां फेस वैक्स करा रही थी यार, मैंने नहीं आज तक कराई है कभी फेस, अगर एक अलावा का ऑप्शन से आप बोल रहे हो तो चलो अच्छी बात है कि आगे चल, लेकिन वो जो इतनी लेजर करा रही होती है, लेजर, अच्छा देखिए ये ट्रीटमेंट भी 16 साल से ऊपर हो सकता है, उससे नीचे नहीं हो सकता, स्किन के कोई भी ट्रीटमेंट 16 प्लस पे करते हैं, अगर जैसे हमारी और वाइटनिंग अगर बहुत जरूरत होगी ना तो करेंगे जी, जी, ना, और जैसे हमारी वाइटनिंग ग्लूटा की हमारे पास है इम्पोर्टेड, तो भी मैं बच्चियों को नहीं देती, मैं कहती हूँ 16 साल के बाद और टेस्ट करके कि आपको एच पायलोरी ना हो, लिवर का कोई इश्यू ना हो, फिर हम रिकमेंड करते हैं, किडनी का कोई इश्यू ना हो, जैसे हम दोबारा से कॉल ले रही हूं, अस्सलाम वालेकुम,
السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں ہما بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے ڈاکٹر بلقیس سے بات کرنی ہے. بالکل کیجیے جی. جی جی السلام علیکم فرمائیے. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں ڈاکٹر بلقیس ہما بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بولیے. جی میں آپ کے پاس آئی تھی ایکنی کے ٹریٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اور مجھے اس سے کافی فرق ہے, آپ کا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ اچھا ہے. اور مجھے میں بھی ڈاکٹر کے پاس گئی لیکن مجھے فرق نہیں پڑا, لیکن آپ کے پاس آئی مجھے کافی فرق پڑا. چلیں تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا خود مجھے بتاؤ, خود اس سے پہلے خود ہی چھیڑا چھاڑی کرتی تھی اسکن کے ساتھ؟ صحیح سے بتانا مجھے. جی لیکن اب ڈاکٹر بلقیس کے پاس گئی, ان کی میڈیسن سے مجھے کافی فرق پڑا. اب مجھے آپ سے گفٹ چاہیے. ہاں جی گفٹ اسکن 50% ڈسکاؤنٹ آپ کو ہے. آئیے اور جو بھی آپ ٹریٹمنٹ کرائیں گے اس میں 50% ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جائے گا. ایک اور کالر ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں جی؟ میں اسما بات کر رہی ہوں کراچی سے, ڈاکٹر بلقیس سے بات کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم فرمائیے. آواز نہیں آ رہی. میں کالز ابھی نہیں لے رہی کیونکہ مجھے آواز نہیں آ رہی, تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا یہ جو آپ نے ایکنی, یہ تو کیونکہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں برائٹنگ سیرم, ٹھیک ہے, تاکہ جو ان کے جو پیچز ہیں وہ. اور کتنا اس کو مزید ٹائم لگے گا کلیئر ہونے میں؟ سٹل شی نیڈز 6 منتھس. اور ابھی کتنا ٹائم ہو گیا ان کو کراتے ہوئے؟ زندگی بھر کے لیے. ایک سال ہو گیا. ایک سال کے بعد ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ پہ ڈالا. مطلب کہ دیکھیں جب میرے پاس یہ آئی تھی نا, چہرے پہ بال پیچی اسکن گرم, اس وقت تو کوئی ٹریٹمنٹ ہو بھی نہیں سکتی نا. ہم لوگ اس کو سود اور نرش کیا. میں ان کے لیے اتنی خوش ہوں مدیہ. ہماری جو گھریلو خواتین ہیں نا وہ بہت گھبراتی ہیں ان چیزوں سے. میری امی میری بہن ہے, میں کوئی نئی کریم بھی اگر لے آؤں گی نا یہ تم کیا کر رہی ہو خراب ہو جائے گا. لیکن مجھے اتنی خوشی ہے کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ لوگ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے فالو بھی کریں, جو ہماری گھریلو خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں نا, ان کے پاس کبھی کبھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا وہ کیونکہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. نہیں اور کچھ کو یقین مانیے, کچھ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن ہی نہیں ملتی. سو ابھی جو جیسے آپا نے ہمیں ٹوٹ کا جو بتایا, اس میں بھی آپا نے بتایا نا کہ ان کو 20 سال لگا, 6 منتھس اور ہے. تو آپ بھی نہایت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ دیکھیں. میں گھر بیٹھے بیٹھے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جلدی سے کافی بس جلدی علاج جادو ہو جائے نا, ٹائم لگتا ہے. مجھے بھی کافی لگا نہیں ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے, چھوڑ دو علاج نا. میں نے کہا میں ریگولر کرواؤں گی, میرے ہسبینڈ کا حال ہے. حالانکہ میں کہہ رہی تھی کہ چھوڑ دوں گی, مگر میں نے کہا نہیں آپ علاج کروائے تاکہ صاف ہو جائے. یہ ہوئی نا بات کہ ان کے میاں نے کہا کہ علاج جو ہے آپ ہمارا ہونا چاہیے اور یہ نہیں رکنا چاہیے. اچھا ان کا ہم نے ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, ایکنی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ایکنی کی ٹریٹمنٹ کی بات ہے. ہم اچھا ان کو کیا جو ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے علاج کی بھی ذرا ہم بات کر لیں کہ ان کے لیے ہم کیا استعمال کریں. ذرا میں چاہتی ہوں کہ آپ خود بتاؤں. ان کا ہائڈرا پیل فیشل کریں گے ہم. ان کی اسکن جو ہے ٹو ٹون ہوئی ہوئی تھی, ابھی تو نیٹ کری, میں نے تھوڑا سا ٹشو وغیرہ صاف کیا. اور اس کے علاوہ یہ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پانی وغیرہ نہیں پیتے, تو وہ اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس وجہ سے بھی نا جو ہم ہائڈرا پیل کریں گے وہ جو ہے موئسچرائز کرے گا, مطلب پانی پہنچائیں گے ہم اسکن کے اندر, ڈیڈ اسکن کو ریموو کریں. اور یہ جو ہمارے پاس مشین ہے ہائڈرا پیل بھی کرتی ہے, ڈائمنڈ پیل بھی کرتی ہے. اچھا ڈائمنڈ پیل. جی بالکل. اور اس میں ہائڈرا پیل اور یہ ڈائمنڈ پیل یہ ساری دیکھیں, اور یہ سب نیچرل اس سے کرتے ہیں. اچھا ہاں صحیح ہے. ابھی صرف واٹر سے کریں, ہائڈرا مینس پانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ڈائمنڈ تو ڈائمنڈ تو مہنگا نہیں ہوگا اس میں؟ نہیں 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 ڈائمنڈ پی اس کے اوپر ڈائمنڈ ڈائمنڈ نہیں. جیسے میں نے سنا تھا کہ شیشے کو کاٹنے کے لیے ڈائمنڈ وہ استعمال ہوتا ہے. میں نے ڈھونڈتی تھی کہ وہ ایسی کہاں سے مجھے جگہ چیز ملے جسے
شیشہ کاٹتے میں اس میں سے ڈائمنڈ نکال دوں گا تفریح کاری ذہن میں. اچھا اور میں پہلے بچپن میں سمجھتی تھی کہ اگر ٹی وی پہ چلے جائے تو چھوٹے ہو جاتے ہیں. جیسے اتنی زیادہ محنت ہوتی ہے بولتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹا ہو یا کسی کے اوپر سے چلے جائے تو کل چھوٹا رہ جاتا ہے. کل رات کو ہی ہوا ہے وہ مجھ سے ہارڈلی 20 دن چھوٹی ہوگی لیکن اس کی ہائٹ ایئر بہت پتلی ہوگی تھی تو وہ مجھ سے پتہ نہیں 20 سال ہی چھوٹی لگی تو وہ بےچاری میرے پہ سے بڑی شلانگیں مارتی تھی بہت ساری مشینیں لی تھی لیکن جو ریزلٹ اس کا ہے نا اس میں وہ کسی کا نہیں ہے. بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز نکال میں یہ ہماری اسکن کو پانی پلا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بڑا زبردست علاج ہے. بات کر رہی تھی نا اوپر سے گزرنے والی یہ دماغ نے ایسی فیڈ کر دی حالات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. رات سے میرا بیٹا نیچے لیٹ گیا وہاں پتہ نہیں کیا کہ چپ کرو تو میں یوں کراس ہوئی اس کے اوپر سے اور پھر مجھے وہ بات یاد اور میں پھر یوں پیچھے ہو گئی. جیسے آپ سے رہتا ہے نا کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو نہیں گزرنا چاہیے. میں ہمیشہ گزرتی ہوں میں نہیں کیونکہ اور کیا برا ہو جائے گا میکسیمم کتنا برا ہو سکتا ہے. ضرور ٹیسٹ کرتی ہوں میں. اچھا اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں یہ تو مشینی علاج ہو رہا ہے جو ہمیں ابھی پتہ نہیں کہ بہت سارے لوگ کے وہ افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو یہ مت بھولیے گا کہ میجک آئل ابھی بننا باقی ہے میرے دوست. وہ مس نہیں کرنا آپ نے اچھا اور ان کے جتنے بھی اچھا اس میں آر ایف بھی ہے اسکن کی اسکن کو جو جو چیز چاہیے ہوگی نا اس مشین کے ذریعے پہلے ہم ہائیڈریٹ کریں گے پھر جو ڈارک سرکلز ہیں اس کو دور کریں گے اور کرو فیچ بن جاتی ہے بہت سارے. اچھا نیچرلائز کیا کرتا ہے ہوم پیتھی ہر بار میڈیسنس بھی دیتا ہے وہ میڈیسنس ہم لازمی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹریٹمنٹس کے ساتھ میڈیسنس کے لیے اور وہ نیوٹراسیوٹیکلز ہوتی ہیں. اچھا ایک چیز مجھے ابھی یاد آئی جو میں بات چیت کرنا چاہتی ہوں ایسے بال سب کو کل جو بول رہی تو میری پوری ٹیم کے جانے سے دعائیں کہ اللہ کرے وہ جلدی سے ٹھیک ہوگی. دیکھیے وہ پولیٹیشین تو ہے لیکن وہ ساتھ میں باپ بھی ہیں بالکل بالکل تو اللہ ان کو اپنے زمان میں رکھے حالت تو خطرے سے باہر ہے تو جلدی جلدی ٹھیک ہو کے وہ اپنے گھر کو واپس جائیں. کیونکہ دیکھیں ہم چاہے آپ کے جتنے بھی پولیٹیکل اختلافات ایک سائڈ پر لیکن انسان ہیں وہ کسی کے باپ ہیں تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ کے ایسے نبال سب جلدی ٹھیک ہو جائیں. اور ایک اور کیونکہ ڈارک سرکل سے بات ہو رہی تھی اس پہ بات کروں گی. میجک آئل اب میں نے آپ کو زیادہ انتظار کرواؤں گی یہ ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ وہ بھی دکھاؤں گی. میجک آئل کی طرف آپ کو لے کے مجھے اب جانا ہے چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. خوشیوں کا پیام یہ رضائے رب کا ہے سامان صبح سحری سما کے ساتھ. خوشیوں کا پیام یہ رضائے رب کا ہے سامان صبح سحری سما کے ساتھ. جناب ہم آج ڈاکٹر بلقیس کی کلینک میں موجود ہیں. ڈاکٹر بلقیس آج ہمیں ٹریٹمنٹ جو کہ مشینوں سے ہوتا ہے اس کے بارے میں اور ایک چیز جو آپا نے اناؤنس کی کہ آج سے لے کے 10 دن تک یعنی کہ رمضان سے پہلے پہلے جتنے بھی آپا کے یہاں پہ ٹریٹمنٹ سے 50% آف ہیں تو اب اس سے زیادہ بھائی اب آپ کو اور کیا چاہیے. اور دوسری وہ چیز کہ آج ہم یہاں پر ایک میجک آئل بنانے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے کسی بھی چینل پر چاہے وہ مارننگ شو ہو یا وہ کوئی بھی دوسرا شو اس پر وہ میجک آئل نہیں بنا اور اس میجک آئل میں بہت ساری بیماریوں کی یہ شفا ہے. تو اس کے بعد ہم جائیں گے میجک آئل تو بنائیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ کچھ ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں آپ کا یہاں پہ کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور وہ ان کے پاؤں مجھے جب اتنا کچھ نکلا ہے دیکھیں اب اگر میری بہن کو دیکھیں نا ان کے مولز بھی بولتے ہیں کہ آج بھی ہم مول ریموو کر کے مول ریموو کریں گے جی وہ بھی کر کے لائیو آپا جی لائیو. آپ دیکھیں ان کا جو ہم نے یہ آدھے گھنٹے کے لیے مشین ہے جو فٹ سے آپ کی پوری باڈی کی ڈیٹاکس کو ختم کرتی ہے. اچھا یہ سارا جو ہے ان کا اپنا جیسے یہ وہی ٹیکنالوجی آپ کو میں سمجھاؤں گی عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے جیسے آپ ہاتھ سے اپنا
नहीं वो जो निकालते हैं अपना चूना लगाकर अपने जिगर की गर्मी निकाल, बहुत पुराना ट्रीटमेंट है ना उसी की, ये नई वो है जिससे फुट से सारी चीजें जो है जापानी टेक्नोलॉजी है जिससे ये सारी जो आपकी जितनी भी कसाफतें हैं वो सब डिटॉक्स होती, फुट डिटॉक्स होती। तो अब इन बहन का हमने फुट का डिटॉक्स किया तो ये सारी चीजें इनके अंदर से निकली और इनका भी है प्रोसीजर स्टार्ट। अच्छा ये इस मशीन का ये है कि बेल्ट लगता है जो आपके फैट को भी डिटॉक्स मतलब कि मेल्ट करने में हेल्प करता है, साथ में आपका फुट डिटॉक्स करता है। और इसमें कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब? वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ना, कि कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बीमार होते हैं तो फिर उनके लिए हम लोग डिटॉक्स के लिए 45 मिनट्स लेते हैं, कुछ अगर ट्वेंटी मिनट्स में फिर ना वो सारा कलर चेंज हो जाता है। फिर ये कलर बताता है कि कौन सी बीमारी, कभी ग्रीन हो जाता है, कभी ब्लैक हो जाता है, कभी येलो हो जाता है। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है जी? मैं जरीना बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जरीना जी कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। मैंने डॉक्टर साहब से बात करने से मुझे बिल्कुल कीजिए आवाज आ रही है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब हड्डियां तो बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत दर्द है मुझे, खुद नहीं आ रही जी जी। और साथ मुझे नजले की आवाज पता चला है। अच्छा ठीक है, अभी नजला जुकाम खांसी इस मौसम के लिए सुन नहीं पा रही है। नहीं अच्छा जो मुझे समझ आ रहा है मैं भी नहीं सुन पा रही। मैं ए मेरे परवरदिगार मुझे इतनी ताकत दे कि मैं सुन पाऊँ। कॉलर घर में बात कर रहा, मैं यहाँ पर सुन रही हूँ क्योंकि मुझे स्पीकर से आवाज नहीं आ रही, स्पीकर मेरे से बहुत दूर है। भाई मैं एक और कॉल लेती हूँ, अल्लाह करे इसकी आवाज आ जाए मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है जी? मैं बात कर रही हूँ भैया, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं उज़्मा बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, जितनी तारीफ करो काम है। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब मैंने 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 आपसे कहना कि आपने इधर हर ट्रीटमेंट पे 50% डिस्काउंट किया है, तो अगर हमने कोई प्रोडक्ट मंगवा लिया तो उससे भी 50% डिस्काउंट मिलेगा? बेटा प्रोडक्ट में 50% कंपनी नहीं रखती ना, मसला ये हाँ वो है, मसला है नेचुरलाइज जो है वो काम करती है, लेकिन इतना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का बहुत ही कम रेशियो है। लेकिन आप जो प्रोडक्ट मंगाएंगी उसमें मैं अपनी तरफ से आपको दे दूंगी। ठीक है प्लीज भी कॉल कर लीजिएगा। एक और कॉलर साथ है अभी, ये चल मैं दोबारा से। अच्छा आपने ना बेल्ट बांधी हुई है क्यों जी? ये जो बेल्ट से अभी क्योंकि ऑन ईयर है, नहीं तो ये इंटरनली इनको बांधने से ये बॉडी को टच करके अच्छा फैट्स और जो आपकी इज्जत की कसाफतें हैं वो भी फुट से डिटॉक्स करने में आपकी। रुके हमने जो बॉडी पे बेल्ट बांधी है उससे जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैल कुछ कसाफतें हैं वो हमारे डॉक्टर से पाओ के थ्रू उस पानी के इस टब में जी निकल जाएंगी। जी निकल जाएंगी। साइंस इस कदर टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है, ये कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर स्टन पड़ा हुआ हो या शन पड़ा हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज लोहे की चीज बॉडी में हो या नट्स लगे हुए स्क्रू लगे हुए तो ये उनके लिए रॉड है ना, तो वो उनके लिए नहीं है। जैसे कुछ लोग शन लगा देते हैं यहाँ पर से जैसे वो पानी निकलता रहे, तो अगर फॉरेन बॉडी आपने क्या बात की यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से लगा देते दिमाग में पानी भर जाता है तो उसके लिए लगा देते, कुछ के कान के लिए यहाँ पर पूरे लगे हुए होते हैं। नहीं नहीं वो तो उनका बनाते नहीं, उनका नहीं होता, उनका नहीं। यहाँ पे कुछ लगाते हैं जिसकी वजह से बार बार आपको वो ना लगाने पड़े इंजेक्शन या पाइप जिसके थ्रू वो डायलिसिस के लिए नहीं होता, वो बना देते हैं ताकि फिर आराम से डायलिसिस होता रहे, एक ही दफा बना देते हैं।
तो फिर ये है, अब देखिए इनका भी अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो पानी हल्का हल्का चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे इनका इनका थोड़ा ब्राउन, इनका थोड़ा हो चुका, इनका थोड़ा सा पॉपुलर। अच्छा अगर आप इनके पाँव निकाल के देखें ना मेरी बहन के, इन्होंने इजाजत दी इसलिए बता रहे कि देखिए इनको स्किन डिजीज भी है पापा। और रुके मुझे इससे याद आया, इस वजह से आपको शुगर है, पापा जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ फूड डिटॉक्स करना बिल्कुल अच्छा। जो यहाँ के लोग हैं वो तो गुलशन में आ सकते हैं, लेकिन आपके डिफेंस के क्लिनिक आपा वहाँ पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल हर जगह ठीक है हर जगह आ सकते हैं। वैसे ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में थी, थोड़ी एक्सपेंसिव थी, अब नेचुरलाइज ने इसको बहुत वो कर दिया, जैसे अफोर्डेबल प्राइस कर दिया कि हमने सिर्फ 1500 रुपीज रखे हैं डिटॉक्स करने के, 1 आवर के जो 25 मिनट से 1 आवर के जो है हमने ये। आपा अगर पर्पल पानी हो तो फिर ये अलग अलग चीजों को वो करता है, ग्रीन हो, पर्पल हो, येलो हो, ऐसे काई की तरह पानी बन जाता है, ब्लैक बन जाता है, बहुत सारे वो। अभी इनका जब ट्रीटमेंट होगा तो आप देखेंगे कि इनका पानी किस तरह रंग बदलता है। अगर कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं बदलता, कुछ जब अगर उनके अंदर डिटॉक्स नहीं करने की जरूरत तो नहीं, कुछ का हल्का सा येलो हो जाता है, कुछ का हल्का सा ग्रीन हो जाता है, लेकिन मेरी इस बहन का आप देखेंगे कितना ब्राउन हो। इसीलिए हमने इनका पहले करके दिखाया ताकि जो है ना इनका हमें मोल रिमूव करना था, तो हमने अच्छा, मोल रिमूव करने के टाइम में मुझे देखना है कि कितना है, और साथ में मुझे मैजिक ऑयल। सबर का फल मीठा होता है जनाब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको आपके सबर का फल मिलेगा, कहीं में जाएगा। इस्तकबाल है उस माह खास का जिसमें छुपा है राज हयात का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी क्योंकि हमने आपको यहाँ से मोल रिमूव करेंगे यहाँ पे डॉक्टर सदफ आपके सामने, और साथ में ये अगर आपको ये लग रहा है कि स्कॉच की बॉटल्स है, नहीं इसमें है जनाब आपकी सेहत का खजाना मैजिक ऑयल। पहले हम मोल रिमूव कर ले, फिर मैजिक ऑयल तो यूं करके बन जाएगा। आप खुद कहेंगे मजिया ने 2 घंटे इंतजार कराया, 2 मिनट का टाइम नहीं लगा। अच्छा इनके फेस पे बहुत ज्यादा है, बट हम इनका जस्ट एक टोटल 4 मिनट है, कुछ हो सकता है? बिल्कुल 2 मिनट में। ओके बिस्मिल्लाह। ये वाला हम करेंगे, ठीक है। ओए तो गायब हो रहे हैं। हाँ वाकई यार, ये वाओ। ये आपके सामने इनका मोल और ये सारा ब्लैक ब्लैक स्नीकी पे आ रहा है। आपको कितना दर्द हो रही है? दर्द थोड़ा सा, क्योंकि मामूली सी इलेक्ट्रिकल चार्ज थोड़ा सा होता है। वाओ अच्छा, ये बाद में गड़ा तो नहीं बनेगा ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम एक इनको एक ऑइंटमेंट देंगे, इंटरनल मेडिकेशंस भी देंगे कि दोबारा ना। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो 1 मिनट भी नहीं लगा और उनका मोल गायब हो गया। क्या बात है, सीरियसली वेरी लगा दें। बिल्किस आपा मैजिक ऑयल फाइनली। अच्छा बहुत आसान है। हाँ जी, आपने करना क्या है, 2 तेल जो स्किन के लिए बहुत अच्छे, कोकोनट ऑयल सबको पता है बहुत अच्छा है, आप चाहे गर्मी में भी लगा सकते हैं, गर्मी में भी। अच्छा दूसरा इसकी फादियत को 4 चांद लगाएगा, वो है कलौंजी का तेल। कलौंजी, दोनों को आपने हम वजन मिक्स कर लेना है। ये अगर एक बॉटल ये है तो एक बॉटल आपने ये दोनों को मिक्स कर लेना है, आपका मैजिक ऑयल तैयार हो गया। वाह, बस
پھر کوکونٹ آئل اور کلونجی آئل. جی میجک آئل بن گیا. اب اس کے فوائد بتا دیں آپ. ٹھیک ہے, میں دیکھیے جیسے ہم وزن ہونا چاہیے اور پیور ہونا چاہیے, کوئی بات نہیں, ہم وزن اور پیور پیور یہ ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایکول اماؤنٹ میں ملایا. ٹھیک ہے, آپ نے دونوں کو ہم وزن ملا لیا, آپ کا جادوئی تیل تیار ہو گیا. اب جادوئی تیل سے ہم کیا کر سکتے ہیں, جب بھی لگائیں مکس کر کے لگائیں, اور اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے, اس سے آپ کی فائن لائنز جا سکتی ہیں, آپ کی پگمنٹیشن ختم ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیے, میں لگا کے آپ کو پگمنٹیشن کے لیے, جی جی ہر چیز کے لیے, ہر چیز کے لیے, آپ کی اسکن ڈیزیز کے لیے, آپ کے بال بہت گر رہے ہیں, آپ کو اسکن سورائسز ہے, آپ کو ایکزیما ہے, اچھا جو بھی آپ کو پرابلمز ہیں آپ اس کو لگا سکتے ہیں. یعنی کہ ہم اسے تھوڑا تھوڑا لے کے ایک باٹل میں لے کے رکھیں. جی بالکل بالکل, اس کو منہ پہ لگا لیں اور آپ اس کو پی سکتے ہیں. تو پینے کی کیا اس کو آپ نے 7 قطرے دن میں 2 دفعہ پینے, 7 قطرے دن میں 2 دفعہ پینے, یہ بچوں کے لیے ڈوز ہے. بڑے اسکن ڈیزیز کے لیے, یعنی رہنے کے لیے, ہر چیز کے لیے. واو صحیح ہے جی, میں تو بہت, ہاں بالکل, اور ناریل میں بھی. اور ہاف ٹی اسپون ٹوائس ڈیلی بڑوں کے لیے, ہاف ٹی اسپون بچوں کے ساتھ قطرے. اچھا بچوں کے لیے یہ کیا کام کرے گا, بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کو بھی ختم کرنے میں مدد کرتا ہے. اور بچے آپ کے ہیلدی ہو جائیں گے. کانسٹیپیشن کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے. بیسٹ 7 قطرے ساتھ بچوں کے لیے, آپ 7 قطرے آپ یہ ڈراپر میں ڈال کے ساتھ قطرے. یہ دیکھیے بتائیے گا کہ اسکن کو کیسے اس کو لگانا ہے. اچھا جیسے ایسے لٹنے لیے جو فیشل کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اسی طرح. اچھا طریقے سے موشن میں اور آنکھوں کے نیچے اگر آپ نے لگانا ہے تو سرکولر موشن. ہاں جیسے کوئی ٹائپ, ہاں تو یہ اس طرح لگانا ہے. اور اس سے بھی کہیں زیادہ امپورٹنٹ آئل جو کہ آپا نے بنایا ہے کوکونٹ آئل سے اور کلونجک آئل, جو کہ آج سے پہلے ان دو چیزوں پہ مشتمل یہ آئل کہیں بھی نہیں بنا, اور صرف اس لیے کہ تاکہ جب آپ لوگ شو دیکھیں آپا کے دیکھے کلینک کو یاد رکھیں گے, اور آپ آپا کو بہت ساری دعائیں دیں گے کہ آپا نے آپ کو اتنی اچھی چیز بتا دی. ان کا خوشیوں کا پیام, یہ رضائے رب کا ہے سامان, صبح سحری سما کے ساتھ. سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ.